आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बच्चों की पॉटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां यहां पर देने वाली हूं कि किस कलर की पॉटी बच्चे को हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें आपको घबराने की या बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और किस कलर की पॉटी अगर बच्चे को होती है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे की पॉटी से रिलेटेड होती है आपके बच्चे की पॉटी काली होना। काली कब होती है? तो काली सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है, वो भी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर बच्चा पहली जो पॉटी करता है वो बिल्कुल काली कलर की होती है, जिसे हम लोग मैकोनियम बोलते हैं। और ये जो मैकोनियम होती है वो बिल्कुल काली कलर की पॉटी होती है। और इस टाइम पे जब बच्चा बिल्कुल जन्म लेके जब वो एकदम नवजात शिशु होता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो पॉटी करता है उसके अंदर कोई भी अनाज या मिल्क का कोई भी कंटेंट नहीं होता है, इसलिए उसका कलर ब्लैक होता है। क्योंकि बच्चा पूरे 9 महीने के लिए वो अपने एमनियोटिक फ्लूड में, उस थैली में ही एमनियोटिक सैक के अंदर रहा है, और जो एमनियोटिक सैक है वो पूरा भरा होता है एमनियोटिक फ्लूड से, और जो एमनियोटिक फ्लूड है वही धीरे धीरे रिस रिस करके बच्चा वो उसको पीता भी है, कई बार उसको उसके साथ खेलता भी है, तैरता भी है, और कई बार बहुत सारी जो पानी होती है वो अंदर अंदर वो ले भी लेता है, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे केस में जब बच्चा 9 महीने इस पानी को सिप सिप करके उसने लिया है तो वो लास्ट में मैकोनियम के रूप में ब्लैक कलर का वो आउट होता है। लेकिन ये पॉटी सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है, वो भी जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जब 24 घंटे के बाद, जब जनरली जब बच्चे को जब मिल्क इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जब उसका जन्म हो जाता है, आधे घंटे के बाद जब ब्रेस्ट मिल्क उसको मिलता है या फॉर्मूला मिल्क मिलता है, तो उसके बाद जब उसकी डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो वो आपको पॉटी येलो कलर की दिखाई दे सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि दूध पीने वाले जो पॉटी होता है उसका कलर बिल्कुल येलो आता है। लेकिन जैसे ही बच्चा सॉलिड फूड में आता है तो बच्चे के फूड का जो असर होता है उसकी पॉटी में दिखाई देता है, और बच्चे की पॉटी बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्मेली हो जाती है। जितना कि ब्रेस्ट मिल्क से इतना आपको स्मेली नहीं लग सकता है, लेकिन जैसे ही बच्चा सॉलिड फूड में जाता है, जब वो ग्रेन्स खाना शुरू करता है तो उसकी पॉटी काफ़ी ज़्यादा स्मेली हो सकती है, और येलो कलर का सॉलिड सा पॉटी उसको हो सकता है। और पॉटी किसी भी कलर की हो सकती है, मे बी वो ग्रीनिश भी हो सकती है, मे बी वो दही जैसी भी हो सकती है, फटी फटी हो सकती है, झागदार हो सकती है। और ये झागदार या फटी फटी या इतनी लसलसी क्यों होती है, सबके बारे में एक सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, एक नहीं बल्कि दो वीडियो बनाए हैं, तो दोनों की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर ड्रॉप कर रही हूँ कि ये किन वजहों से होती है। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, अगर पॉटी का कलर ये सब है तो आप इसको नॉर्मल और नेचुरल मान सकते हैं, आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड होता है कि जो माँ है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनके डाइट क्या क्या है, कहीं उन्होंने कोई तीखा चीज़ तो नहीं खा लिया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा ली जो कि बहुत ही ज़्यादा कोलिक क्रिएट कर सकती हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे की पॉटियाँ चेंज होती हैं, उनके कलर में चेंजेस आते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता तब है अगर बच्चे की पॉटी में कहीं पर भी ब्लड के टिंचेस दिखते हैं, खून आपको दिखाई देता है, तब आपको इमिडिएटली डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही जब आपका बच्चा बड़ा होता है, उसको अगर कहीं ना कहीं पॉटी करने में परेशानी होती है, जब अगर उसके निचले अंगों में काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत हार्ड होता है या हार्ड पॉटी आने की समस्या होती है, उस टाइम पर जब बच्चा स्टूल पास करता है तो उस टाइम पर आपको ब्लड के टेंचेस भी दिखाई देते हैं, जो कि उस केस में नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में जो अगर बच्चा बिल्कुल लूज़ मोशन कर रहा है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल जो उसकी पूप है, नॉर्मल पूप के दौरान अगर आपको ब्लड के टिंचेज आ रहे हैं तो घर पे बैठिए मत, बिल्कुल आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर बच्चे के पॉटी में वाइट कलर की अगर पॉटी आ रही है, उसकी कलर वाइट है, ये भी खतरे की घंटी हो सकती है। इस टाइम पे भी आपको आइडियली सिट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। और रेगुलर बेसिस पे अगर बच्चे को भूरी पॉटी होती है, उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अदर देन दिस, अगर आपके बच्चे की पॉटी बिल्कुल गीली हो रही है, लूज़ मोशन वाली है, उसमें कफ आ रहा है या झागदार भी है, तो ऐसे केस में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डाइट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन लगातार अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है, अगर दिन भर में 7 बार से ज़्यादा
ज़्यादा पॉटी कर रहा है तब आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिले, लेकिन अगर आपके बच्चे को 7 बार से कम पॉटी हो रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइंस में ऐसा माना गया है कि 1 दिन में अगर बच्चा 7 बार पॉटी करता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, या फिर 7 दिन पर 1 बार भी अगर बच्चा पॉटी कर रहा है तो उसको भी आप नॉर्मल मान सकते हैं। कई बार माँ बाप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, 3 दिन हो गया इसने तो पॉटी की ही नहीं, चलो डॉक्टर से मिल लेते हैं। बट द बेसिक थिंग कि बच्चे 7 दिन तक भी उनकी अगर पॉटियाँ नहीं आती है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन, 6 से 7 दिन के बाद बच्चा खुद ब खुद पॉटी कर देता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय हो गया है, लग रहा है कि लंबा समय खींच रहा है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर एक छोटी सी दवाइयाँ देंगे जिससे कि उसका बच्चे का जो पेट है वो बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा और बच्चा ढेर सारी पॉटी उस टाइम पर करेगा। तो ऐसे केस में माँ बाप को तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को उस तरह की गोलियाँ मिली हैं जो कि बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, उनको पूरा उनका बॉवल क्लियर करने के लिए जो दवाइयाँ मिली हैं, तो आपको पहले से ही डायपर्स और जो साफ़ सफाई करने वाली जो सामान है, चीज़ें हैं, वो आपको इकट्ठा रख लेनी है। और कई बार जब आप ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्लानिंग को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, या तो अगर प्लानिंग को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो अपने साथ ये सारे आइटम, जो भी साफ़ सफाई की जो चीज़ें हैं, या आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है कि बच्चा जब भी पॉटी करेगा तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करेगा, तो इसलिए आपको मेंटल प्रिपरेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्या होता है कि अगर आप कहीं घूमने चले गए, आपको पता ही नहीं है कि बच्चे को जो दवाइयाँ दी गई हैं उसका 2 घंटे के अंदर असर पड़ने वाला है, और बाहर जाके जब आप अगर आपको पता चले कि बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटी कर दिया तो उससे आप परेशान हो सकते हैं। तो मेंटल प्रिपरेशन ज़रूर रखिए कि अगर बच्चे की बॉबल क्लियर करने वाली दवाइयाँ मिली हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही पॉटी होगी, और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। तो होपफुली आपको मैंने पॉटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि बच्चे के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो नए पेरेंट्स होते हैं वो कई बार घबरा जाते हैं, चाहे बच्चे को लगातार अगर 7 बार तक पॉटी हो रही है या 7 दिन में 1 बार हो रही है, तब भी दोनों ही केसेस में माँ बाप घबरा जाते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और कौन कौन से डेंजर साइन है मैंने आपको बताए हैं तो उस टाइम पर आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और एंड स्क्रीन पर इन दोनों वीडियो की लिंक ड्रॉप कर रही हूँ, उसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके कि इन केसेस में भी आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस फैमिली बेबी केयर।